तुम्हारी सोलो मूवी में विद्या बालन ने एक आरजे का रोल निभाया था और उन्हें ट्रेन किया था आरजे मलिष्का ने। मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी विद्या बालन ने आरजे का ही रोल प्ले किया था और तब भी उन्हें आरजे मलिष्का ने ही ट्रेनिंग दी थी। मलिष्का 93.5 रेड एफएम के लिए काम करती हैं और उनके कई सारे शोज काफी हिट हैं, जिनमें से एक शो मॉर्निंग नंबर 1 विद मलिष्का को बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का अवार्ड भी मिला है। आरजे मलिष्का के अलावा आरजे रौनक, जिन्हें उनके कैरेक्टर नेम बउआ के नाम से भी जाना जाता है, आरजे नावेद, जिनका शो मिर्ची मुर्गा काफी फेमस है, आरजे सिद्धार्थ, जो कि लाइव शोज के लिए जाने जाते हैं, ये सभी इंडिया के टॉप रेडियो जॉकीज हैं। इन सब का एग्जाम्पल सुनकर या उनके शोज देखकर अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि रेडियो जॉकीज आखिर होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स। और हो सकता है आप में से कई सारे लोगों की इच्छा भी हो आरजे बनने की, पर आगे पीछे की किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपके हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, एक रेडियो जॉकी के करियर के बारे में बात करेंगे, पर्सनल स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टार्ट कब कर सकते हैं, हर एक एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो जॉकी यानी वो लोग जो रेडियो पर काम करते हैं, न्यूज सुनाते हैं, एंटरटेन करते हैं, गाने सुनाते हैं, गाकर नहीं बजाकर, शोज होस्ट करते हैं, फेमस पर्सनालिटीज का इंटरव्यू करते हैं और लोगों से बातें करते हैं। तो अगर आप भी एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल स्किल्स की, यानी हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर कैसी होनी चाहिए एक आरजे बनने के लिए। कभी कभी हमारा बिहेवियर भी ये बता देता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए या हमें कौन सा करियर चुनना चाहिए। तो सबसे पहला होता है एक आरजे बनने के लिए बोलने का शौक। अब कई सारे लोग सोचेंगे कि बोलने का शौक तो हर दूसरे इंसान को होता है, तो क्या सब आरजे बन जाएं? तो नहीं, बोलना मतलब सिर्फ गॉसिप करना नहीं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, बिना डरे बिना हेजिटेशन के स्टेज पर बोलने का शौक है, इवन अगर आप चार लोगों के साथ हैं और आपस में बात करने के बजाय लोग आपको सुन रहे हैं या आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उस चीज को एक इंडिकेशन मान सकते हैं कि आपके अंदर एक अच्छा आरजे छुपा हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है लिखने का शौक। एट द मोमेंट पर बोलने की कला तो जरूरी है ही, साथ ही साथ अपने थॉट्स लिखना, अपने कुछ क्रिएशंस लिखना, जैसे पोयम्स हुई, लेख हुए, अगर आपको लिखने का शौक है तो ये क्वालिटी भी आपको एक आरजे बनने में बहुत हेल्प करेगी। तीसरे शौक की या स्किल की बात करें तो वो है रीडिंग का। अलग अलग तरह की किताबें, आर्टिकल्स, पोयम्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ने का शौक है, सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट है, चाहे फिर वो न्यूज से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और अगर इन सब के साथ ही आपको म्यूजिक का शौक है तो फिर सोने पर सुहागा। अब इतनी सारी जो कहानी मैंने बयान करी उससे इंट्रोवर्ट लोगों को ये फील हो चुका होगा कि ये प्रोफेशन अपने लिए तो नहीं है। तो वेट, ऐसा कोई भी मिथ अपने मन में मत पालिए। कई सारे लोग होते हैं जो कि लोगों से बात नहीं कर पाते या अपनी बात सबके सामने इतना खुलकर नहीं रख पाते, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी 1-to-1 बातचीत में अपने थॉट्स उतने इफेक्टिवली नहीं रख पाती, लेकिन उन लोगों में बोलने की क्वालिटी जरूर होती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आमने सामने बात करने में बहुत शाये हैं, लेकिन वर्चुअल बातचीत में, यानी जहाँ हमें कोई देख ना रहा हो, ऐसे बातचीत करने में एक्सट्रोवर्ट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इस मिथ के साथ साथ मैं एक और मिथ तोड़ देती हूँ कि एक आरजे बनने के लिए आपकी वॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, तो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगी, पर ये कोई एसेंशियल क्वालिटी नहीं है। आवाज अट्रैक्ट जरूर कर सकती है, लेकिन आप क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो मैटर वो करता है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशंस कैसी हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी लैंग्वेज पर कमांड कैसी है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी, ना कि आपकी वॉइस। अब ये सारी बातें तो हो गई पर्सनल स्किल्स की, तो अब कुछ एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप 12th के बाद आरजे का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का, जिसके लिए इंडिया का टॉप कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, बैंगलोर।
मास मीडिया एंड जर्नलिज्म पर भी हमारा एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, जैसे डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड मैनेजमेंट DRPM, सर्टिफिकेट इन रेडियो जॉकिंग, जिन्हें आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी। अगर आप RJ की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप किसी रेडियो चैनल पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इवन अगर आपने कोई कोर्स किया भी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एज एन इंटर्न ही ज्वाइन करें किसी भी रेडियो चैनल में, क्योंकि डायरेक्टली आपको RJ की पोस्ट मिलना मुश्किल होगा, लेकिन इंटर्नशिप के बाद आसानी से मिल जाएगी। मोस्टली लोग किसी पर्सनालिटी से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनके जैसा बोलने की और बनने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एक RJ की जॉब ऐसी जॉब है जहां सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ओरिजिनलिटी की। आपका जो अपना टेस्ट है वो किसी के कॉपी करके नहीं आ सकता, इसलिए इसे आप एक टिप समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और टिप है कि अपने किसी भी एक बेसिक से इंटरेस्ट को उठाइए, चाहे वो डांस हो, गाना हो, मिमिक्री हो, या चाहे खाना ही क्यों ना हो, और उस बारे में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गेन करते रहिए। बिलीव मी, आपको एज एन RJ ये बहुत काम आएगा। RJ एक अकेला ऐसा करियर है जहां आपको अपनी पसंद की बातें करने के लिए, अपने पसंद के गाने चलाने के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो फैन फॉलोइंग भी इतनी बढ़ती है कि लोग रात रात भर जाग कर सिर्फ आपका शो सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आपको RJ की जॉब खुद से रिलेटेबल लगी तो अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए और बस लग जाइए काम पर। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपको और किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में जानना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, सब्सक्राइब टू आवर चैनल करियर A+। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।